जो था वो लड़की यार बहुत क्यूट है, और वो उसकी वे ऑफ डिलीवरी बहुत बहुत सॉफ्ट मजे थी, की। है और ना। जो उसने जोक्स क्रैक किए हैं महीम सर के साथ। और अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा, तो आपने जो है ये हमारे साथ आगे भी कंटिन्यू करना है। देखो देखो एज पे उसकी हर कोई जोक कर रहा है, लेकिन जो उसने किए ना हाँ, महीम उसने सर की अच्छे एज किए। पे वो बहुत मजे के थे। हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ जवीरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं इशा तारिक। और आज हम देखने लगे हैं बस्सी का रोस्ट। मतलब पहले तो बस्सी होता था ना कि वो सबको रोस्ट कर रहा आज होता था, बच्ची को रोस्ट किया बस्सी जाएगा, को और रोस्ट किया बिठा जाएगा। के हाँ, सुकून से। और ये बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज के साथ किया जाता है कि एक सेलिब्रिटी को बिठाते हैं और उस पर फिर जो रोस्ट करते हैं जो हाँ, रोस्ट करते लास्ट टाइम हैं। हमने एक शो देखा था उर्फी का, उर्फी हाँ को बिठा के रोस्ट किया गया था, और जो मैंने फिर देखा जो उर्फी ने उन लोगों को रोस्ट हाँ किया था, उर्फी बड़ा अच्छा रोस्ट करती है उर्फी यार। बड़ा अच्छा हाँ भाई, उसने जो बोली थी ना मुनव्वर को बातें, हाँ और वो वो मतलब जो उस पे बातें की गई ना, वो हाँ बहुत कॉमन है, वो होती रहती है, हाँ लाइक कपड़े ऐसे इंस्टाग्राम पे। हैं ऐसी एग्जैक्टली है वैसी है, उसके कपड़ों पे ही ज्यादातर जोक्स शी होते फेमस हैं, फॉर समथिंग विच शी डोंट वेयर, मतलब वो पहनती नहीं है रिवीलिंग तो क्लॉथ्स हाँ ये हैं और वो। इस तरह के। लेकिन जो उसने डीप बातें की हाँ ना, मैं देख मुनव्वर रही थी को, इंस्टाग्राम पे, वो बहुत मजे का रोस्ट किया था उसने। उसने मुनव्वर फारूकी की बहुत ज्यादा हाँ की थी, और मुनव्वर एग्जैक्टली। फारूकी को ना बोलते नहीं है लोग क्योंकि उसकी बहुत अजीब अजीब काम रह चुके हैं। नाजले को डेट किया, आयशा को डेट किया, हाँ तो उसको कोई बोलता नहीं, लेकिन वो उसने बोला फिर रख रख के सब कुछ अच्छी तरह हाँ बोला। तो है भी दोनों उर्फी जावेद, वो दोनों मुस्लिम ही है, वही वाला कॉन्सेप्ट है चार शादियों का। सही बात तो है, वो उसने उसने कहा सही बेटा रोस्ट किया अब मैं था। तुम्हें बताऊंगी क्योंकि मुझे भी सब पता है कि क्या है, क्योंकि हाँ दोनों का सेम ही उनको आइडिया है कि हाँ क्या है। तो अब हम देखते हैं आशीष सोलंकी की ये वीडियो है। वीडियो का टाइटल है प्रिटी गुड रोस्ट शो। ये काफी सजेशन में भी मैंने देखा, ये वर्ड काफी यूज किया हाँ गया कि इन पे तो मुझे देखो समझ नहीं आ रहा रिएक्शन था दो। प्रिटी गुड मतलब क्या, अच्छा है किस हाँ, हिसाब का है। रोस्ट हाँ शो। तो ये हम देखते हैं अनुभव बस्सी का ये शो है और उसको रोस्ट किया जाएगा, स्टार्ट और फिर करते जो हैं। भी हमारी ओपिनियन होगी हम लास्ट में शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, और ये जो शो है ये 3 पार्ट्स में होगा, ये भी बताना बड़ा एग्जैक्टली जरूरी है, हाँ 3 पार्ट्स में होगा क्योंकि काफी लंबा शो है। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरी रेगुलर क्लीन कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये रोस्ट कॉमेडी है जिसके अंदर भाषा ओके थोड़ी अभद्र है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी अच्छा इच्छा। 18+ है, बाप रे हाँ 18+ है। बस्सी दिल्ली आया, इसे यहाँ के पता चला कि प्रॉपर्टी खरीदी भी जाती है। पता है बस्सी कहीं भी अपने बॉडी गार्ड्स के साथ निकलता है, कहीं से भी लोगों को लगता है इसी को फेंका जा रहा है बाहर। बस्सी इसी को पाए पे बहुत पीता है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट। मरो बहन चो। बस्सी जब अपना मास्क भूल जाता है ना, तो बस होठ अंदर करके निकल पड़ता है। बस्सी और बस्सी का ड्राइवर स्पेशल देख के बाहर निकले, ड्राइवर जाके पिछली सीट पे बैठ गया। क्या रोस्ट करूं, मैंने फोन तो उठाता नहीं मैंने। बहुत कर ली पीठ पीछे बातें, अब मुंह पे करते हैं। आशीष सोलंकी बहुत फनी कॉमेडियन है, बहुत अच्छे लगे। और ये लोग ना ऐसे सामने आते जा रहे हैं खुल के। इसने बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे ही इंसान हैं, प्लेन मत देखो मुझे। It's time for the Pretty Good Roast Show. Welcome to the stage, your roast master, Mr. Ashish Solanki. दोस्तों साथ कितने कितने लोग आए दोस्तों के साथ? Make some noise. मेरे तो दोस्तों में साथ में मजा तो आता है, लेकिन यार है ना, मेरे लेकिन बहुत दोस्तियां टाइम के साथ में टूट जाती हैं ना। मेरे दोस्तों कुछ दोस्ती टूटी मेरी, किसी ने झूठ बोला कुछ, है ना, कोई कुछ और कर रहा है, कोई आगे बढ़ गया। मैं नहीं रह सकता ऐसे, दोस्त आगे बढ़ जाए तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं फोन करूँ। और भाई कहाँ पे है? भाई मैं मायामी बीच पे हूँ, थोड़ा चिल कर रहा है भाई, मैं कड़कड़ूंगा कोर्ट के बाहर। ऐसा ही मेरा एक दोस्त जो मुझसे आगे निकल गया और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। उसे हम यहाँ पे बुलाएंगे उसकी औकात याद दिलाने के लिए। पर हम लोगों ने साथ में स्टैंड अप शुरू करा था कि लोगों को पता नहीं, बल्कि मैं सीनियर हूं इसका। और पता क्या हुआ, जब मेरे को पता चला कि एक नया लड़का आया है, मैंने कहा उसका हौसला बढ़ाऊंगा जाकर। पहली बार मिला मैंने कहा
ठीक कर रहा है, करता रहे, ये हरामखोर करता रहा। लेकिन मैं रोज बताता हूँ इसे कि तेरे लिए खुश हूँ मैं। रोते रोते अच्छा लगता है। पर अच्छा तो लगता ही है, देखो ऐसा ये शो भी इसलिए हो पा रहा है, मैं बताई तो सच्चाई। सारा बताएगा क्या? Time to reveal. बता दे। एक तो इसके सारे तो पैसे लग गए जो थोड़े बहुत कमाए थे इन्होंने दो महीने। ये मेरी वाइफ हंस रही है सिर्फ। ये तेरा तेरा वो हंस रही है वहां से। एक तो मतलब जनरली ऐसा होता है कि कोई फोन करके बोले कि भाई मैं ऐसा शो सोच रहा हूँ तो तू एज अ गेस्ट आ जा। मैंने इतना ही एक्सपेक्ट किया था इससे। इससे मुझे फोन किया, भाई मैं एक शो कर रहा हूँ, तीन चार गेस्ट दे दे। तो जो आगे भी आने वाले वो भी मैं ही लाया हूँ। अच्छा यार तू मूवीज वूवीज कर लिया इसने, देखी तुमने? हां तू झूठी कर रहा है। एक ही कर रही है मूवीज, मत बता मूवी। हमें तो ज्यादा ही लगी। वो एक ही थी क्या? मूवीज कर लिया तो कुछ गॉसिप तो बता यार इनको, ये लोग आए थे वो देखने के लिए, कुछ बता के। नहीं मतलब वहां पे कोई भीख नहीं मांगता। मुझे वापस दिल्ली आके प्रेशर नहीं होता कि एक दिन तेरा चैलेंज चलाना है, एक दिन दुआ का चलाना है। तो बस यही है। अकेला नहीं हूं मैं। बढ़िया यार, लेकिन इसने मूवी करी है ना, मेक सम नॉइस फॉर हिम। यस मेक सम नॉइस। इसने हमें दिखाई भी थी और फिर क्या एक्टिंग करी यार हमने। भाई बहुत अच्छा रोल लग रहा तेरा, अगला साल अच्छा तू ही है। बस्ती तो लॉयर भी इसलिए बना था क्योंकि इसे लगता बार एसोसिएशन में सस्ती मिलती होगी दारू। ले ले ले, हो नहीं रहा है, बड़ी आई। लेकिन पता है इसकी बेस्ट बात यही है ना, सक्सेस के बाद में बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन वो तब अच्छा होता है जब आप पहले अच्छे आदमी हो। ये शुरू से गली से हराम को। मेक सम नॉइस फॉर अनुभव सिंह बस्ती। यस पिज़्ज़ा बस्ती, अभी ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ लेकिन एज अ प्रथा हम हर एक शो में क्या कर रहे हैं, कुछ भर तो दे दो। खाली रखा हराम जादो। सच में कुछ भाई पानी ही भर ले, साइड में रखा है। ठीक है मैं तेरे को रूल्स बताऊंगा, ठीक है? और हम लोग बिना रूल्स के शुरू नहीं करेंगे शो, क्योंकि हमें पहले इसके एग्रीमेंट पे साइन करवाएंगे, क्योंकि हमने बहुत केस देखे हैं, हम नहीं चाहते केस हो। तो मैं तेरे को रूल्स पढ़ के सुनाऊंगा, तेरे साथ में वो कागज है उसके अंदर रूल्स है, साइन आई होप पेन हो, वरना तेरे को अंगूठा लगाना भी आता ही है। हाँ इसने रणबीर की छाती पे लगाया था। मूवी ले लो भैया, मूवी में ले लो भैया, मूवी में, मूवी में ले लो भैया। अगर देखो किसी भी जोक पे बुरा लगे तो कड़वा घूट समझ के पी लियो, और तुझे आदत तो है ही कड़वे घूटों की। दारू की बातें कर रहा हूँ मैं, तू साइन भी करना। हाँ एक बार साइन कर दे पहले, मैं वो लेना चाहता हूँ उसके बाद। देखो ऐसा बिहेव करना जैसे जब तेरे सीन कटे थे ना मूवी से, तो कितने भी गाली आए पर थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत सीन कटे थे। तो हम लोग पैनल को बुलाएंगे। यस प्लीज मेक सम नॉइस एनिमल कम द पैनल। द पैनल नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साइड वाला कुशाग्र है। कुशाग्र भी कॉमिक ही है, महीम सर अपना केयर टेकर नहीं लाए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर महीम सिंह। यस महीम सर इज हेयर बिकॉज उनकी आखिरी इच्छा थी। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर दुआ। यस बस्ती का राइट हैंड टू डू बैड थिंग्स।
अगर स्टैंड अप आर्ट है तो दुआ कॉमर्स से है। दुआ की कॉमेडी का शो नाम है ओ हेलो, जो लोगों ने से कॉलर पकड़ के पूछा था। मेक सम नॉइस फॉर श्रीजा। यस, मेक सम नॉइस फॉर श्रीजा। श्रीजा हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल रीच हाइट्स बाय सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ सीसॉ। श्रीजा ने यहां तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, लिफ्ट नहीं चल रही थी। श्रीजा ने बहुत लड़के घुमाए हैं अपनी पीठ पे। बॉडी शेम कर रहा है उसको, बहुत बॉडी शेम कर रहा है। सॉरी। श्रीजा की मम्मी एग्जाम से पहले उसे दही चीनी खिलाती है, चार रोटी भी मांग लेती है। श्रीजा कॉमिकस्तान में सेकंड लास्ट आई थी। फाइनल में रेस थी क्या? श्रीजा लड़कों से दूर रहती है वैसे, इसे पता लड़कों को इससे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इसकी दोस्त का नंबर। बस्सी की मूवी आई थी तू झूठी मैं मक्कार, श्रीजा की आएगी छह रोटी नो डकार। Make some noise for Shreya Chaturvedi. Yes. हेलो हेलो हेलो, आप लोग को सुनाई दे रहा है तो इतना चिल्ला क्यों रहा है ये कब से? क्या सुनने की दिक्कत है क्या किसी को? इधर किसे सुना रहा है ये? दही चीनी के साथ मैं रोटी नहीं पूड़ी मांगती हूँ। इतना भी नहीं पता है ऐसे, बट प्लीज गिव इट अप फॉर योर होस्ट ब्रह्म कुमारी आशीष। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज छोटा भीम कॉमेडी, मतलब बहुत प्राउड है ये इस बात को लेकर कि देखो मैं तो कितनी क्लीन कॉमेडी करता हूँ, क्लीन एकदम, मैं बहुत क्लीन को अपने फैंस को बार बार बोलते रहता है कि सुनो तुम अपने मम्मी पापा को भी ले आओ, तुम अपने दादी दादा को ले आओ, चाचा चाची ले आओ, ताई जी ले आओ, सबको ले आओ, क्योंकि इससे पता है कि कोई तंदुरुस्त इंसान आएगा वो बीच में उठ के चला जाएगा। इतना तेज बात करता है क्योंकि इसको डर है कि कोई ध्यान ना दे दे इसकी बात पर। शादीशुदा इंसान है, इसके इन लॉज ने जब इसे मतलब डाउरी ऑफर की थी तो इसने सख्त मना कर दिया था कि प्लीज पागल हैं क्या आप, ये सब बातें मेरे पापा करेंगे। आशीष हैज सच अ फॉरगेटेबल फेस। पता है दुनिया के सारे आईफोन्स में फेशियल रिकॉग्निशन है सिवाय इसके, क्योंकि वो भी बोल रहा है भाई हमारा इतना एडवांस नहीं हुआ है फेशियल रिकॉग्निशन कि तेरा चेहरा याद रखे, वो भी रोज, तू अंगूठा ही यूज कर। आशीष वॉक्ड इनटू अ बार, बड़ा अच्छा कर रही है, बड़ा अच्छा, शिफ्ट चेंज का टाइम आ गया। आशीष के पास भी ब्लू टिक है यार, बताओ। जब से आशीष को ब्लू टिक मिला इंस्टाग्राम ने बेचना ही शुरू कर दिया कि लो यार, अरे सब लो यार। यार ये हुआ था लास्ट डे, ये बहुत अच्छा कह रही है आशीष को भाई जो रोस्ट किया है। महीप सर बहुत ही सीनियर कमेडियन है हमारे सीन के। महीप सर मैं कह रही हूँ कि बहुत सीनियर कमेडियन है आप। ऊंचा सुनाई नहीं जा रहा हूँ आपके लिए। लोगों को नाचते हुए देखते हैं ना तो एकदम से खुश हो जाते हैं कि अरे वाह फसल कट गई क्या। चलो भाई आज भी इसीलिए ही आए हैं, लगा ये लोहड़ी का सेलिब्रेशन चल रहा है था। पुराने बहुत पुराने, इनके पॉकेट में मखाने भरे हुए हैं। But to just give you a little context, Maheep ji is also divorced.
Because BG didn't give him a BJ. बट ठीक है अगले मैंने जोक्स लिखे हैं कोई कुशाग्र के लिए कुशाग्र मैन व्हाट अ जूनियर आर्टिस्ट फेस मैन मैं तो एक पूरी वेब सीरीज लिखूंगी उसे सिर्फ बैकग्राउंड में कास्ट करने के लिए कुशाग्र के बारे में मैं मतलब क्या बोलूं प्लीज बता दो कोई मैं क्या बोलूं यार कार्बन फुटप्रिंट छोड़कर जाने वाला है कैन यू इमेजिन एनवायरमेंट डैमेज करने वाला है ये आदमी हाउ डेयर ही यूज आवर रिसोर्सेज यार किसी एनजीओ का प्रोजेक्ट लगता है ये कुशाग्र मैंने फीडिंग इंडिया को कल ही 3 रुपए डोनेट किए थे पहुंचेगी नहीं तुम तक अभी तक he has that face इसे देखकर ही सारी लड़कियों को लगता है इसे कहीं तो रिजेक्ट किया है मैंने किसी ऐप पे तो किया है लड़कियां इस पे मी टू नहीं मी नीदर एलिगेशन लगाती है हमें भी नहीं पसंद है यार ठीक है कमिंग टू राहुल दुआ है बहुत ही हार्ड वर्किंग है राहुल दुआ ही इज वर्क्ड रियली हार्ड एंड व्हिच इज व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट कि इन जोस पे मेहनत लगी है इसको ये तो मैं नींद में लिख लूँ यार इतना पढ़ा लिखा आदमी है पता है इसने FMS MBA किया बट इसकी वोकैबुलरी इतनी है बस ओ हो 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 माय गॉड इसके अकाउंट पे अगर आप कोई अच्छा कंटेंट देख लो तो समझ जाना कि कोई और इसको बहुत बेटर कर चुका है यूट्यूब एड्स इसी के चैनल पर इन्वेंट हुआ है ये वार्निंग है आप कर लो ना स्किप वीडियो ठीक है आगे बढ़ती हूँ गाइस इट्स टाइम टू for the guest of the night Basti bas bahut hai bataiye Basti ne bollywood mein debut kar liya isne ranbir kapoor ke sath movie ki aur dekhiye uske baad se kaisi movie kar raha hu animal jaisi ye asar hai iska My society खराब कर रहा है ये प्रदूषित कर रहा है हमारे यंगस्टर्स के दिमाग को ये देखिए कितनी अच्छी मूवीज बताता था रणबीर कपूर पहले वेक अप से रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर रॉक स्टार इससे मिलते ही तू झूठी मैं मक्कार तेरी माँ उल्टा तेरी बहन करम जली गालियां ले आया यार उसमें यू नो कॉमेडी इज मेंट टू मेक यू फील अनकंफर्टेबल बस ये अपने चेहरे से ही कर देता है आई डोंट अंडरस्टैंड ही मतलब बस्सी का एक बहुत ही एक डेकॉय टेस्ट है मतलब कि इट्स अ 12th पास डेकॉय चश्मे लगा लिए इसने जैसे कि हम मान लेंगे इसकी डिग्री है इसके पास थैंक्स फॉर डूइंग दिस बस्सी ही लुक्स लाइक ये अभी बूथ कैप्चरिंग करके आ रहा है मेरठ में पता है बस्सी कहीं भी अपने बॉडी गार्ड्स के साथ निकलता है कहीं से भी लोगों को लगता है इसी को फेंका जा रहा है बाहर ठीक है गाइस दैट हैज मच टाइम थैंक यू सो मच गाइस प्लीज वेलकम बैक टू होताशी नेक्स्ट नाइट यस मेक सम नॉइस नाउ द नेक्स्ट एक्ट इज कुशाग्र मेक सम नॉइस कहते हैं कि लोग अपनी किस्मत अपने माथे पे लिखवा के आते हैं कुशाग्र आप सबकी लिखवा के आया कुशाग्र मुंडन से बाल चुराता है
बहुत बड़ा माता है, बहुत बड़ा। कुशागर को देख के लगता नहीं कि इसके घर में एक महीने पहले कोई मरा होगा? मरा है ना कोई? करियर की बात कर रहा है। कुशागर नाई के पास जाते तो नाई बोलता है रास्ता पूछने आए होंगे भैया। जब कोई बोलता है कुशागर गया तेल लेने, तो वो तेल लेने गया होता है। थैंक यू आशीष फॉर दैट इंट्रोडक्शन। आशीष पता ना आपको, कॉमिकस्तान विनर था ये, गुरलीन को हरा के विनर बना था, और अब गुरलीन के फॉलोअर्स देख के इसको लगता है कि कॉमिकस्तान प्रैंक शो था। हाँ, इसके पापा पुलिस में, वो भी इसी केस पे काम कर रहे हैं कि कोई जीतने के बाद सेकंड कैसे आ सकता है। बट सही है, बहुत क्लीन कमेडियन है, बहुत सुशील है ना, बहुत ही ज्यादा क्लीवेज को बीच की मांग बोलता है। इस शादी हो गई, ये सुहागरात अभी वीडियो कर रहा हूं, तुम्हारे पापा इतना लेट नाइट अलाउ कर देते हैं बॉयज के साथ? पता नहीं क्यों तैयार है यार, हो क्या तो गोपी बहू का पति लग रहा है बिल्कुल, है ना। अहम जी आपको है फर्स्ट आने का वहम जी। महीप जी पे आते हैं, महीप जी बहुत देर से बैठे हैं यहाँ पे, बाय यहाँ आई मीन धरती पे बहुत पहले से हैं। ये 10 का नोट देख के बोलते हैं कि ये कौन नया लड़का बना है इस पे। आजकल कोई भी चल रहा है ऐसे। मही सर पोएट्री भी लिखते हैं, इनकी पोएट्री में बहुत दर्द है बट इनके शरीर से ज्यादा नहीं। इनफैक्ट महीप इज शॉर्ट फॉर महीप्स आर हर्टिंग, दैट्स व्हाट। और महीप सर मैं बता दूं, बाल इन्हें धूप में सफेद नहीं करें, धूप तो इनके बहुत बाद आई थी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पे ऐसे पंजाबी स्टीरियोटाइप वाला जोक हो, मैं नहीं चाहता महीप सर को किसी भी बात का बुर्रा लगे। जस्ट शरीफ लगते हैं, थोड़े क्रीपी से हैं ये, वो वाला अंकल लगते हैं जैसे लड़कियों को आशीर्वाद देते हुए थोड़ी ज्यादा देर तक पीठ सहलाते हैं, ये ज्यादा कर रहे हैं। हाँ सीधा कुर्सी आगे कर ले, अलग अलग लोग है महीप जी का। महीप जी को तो क्या लगता है इनको अभी वो बीमारी है जो आगे जाके पैंडेमिक बनेगी। ये लड़की चाहिए, तुमने देखा शी इज वेरी मिस्टीरियस, है ना, इसको देख के समझ नहीं आता कि क्यूट है कि थायराइड है, इसकी स्पीड ज्यादा स्लो है कि इसका मेटाबॉलिज्म, किसको खबर किसको पता। बट क्यूट है ना, क्यूट है। ये हगीज के एड में बच्चे की चुकड़ बनती है ना, पहचान गए ना। अरे वही लोग पहचान गए तुझे, सबने काम देखा हुआ। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे श्रीजा हॉट पिक्स, तो श्रीजा की हाथ से एक तो फोटो आती है। भाई मैं तो लेकिन मिलकर डर गया, धीमे धीमे ऐसे पूछ रही मुझसे कि तुम्हारा क्या नाम है। जैसे घर जाके डायरी में लिख देगी ऐसे बोलती है।
this next thing is not even a joke, ये बस fact है। श्रीजा कॉमिकस्तान season 2 में 9th आई थी और फिर next season में उन्होंने लोग ही 8 लिए। ओके यार, ये वाला शो कितना फनी था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाकी भी जो कॉमेडियंस हैं वो इतने ज्यादा फनी यार हो। अभी सबसे ज्यादा जो फनी है ना वो महीप सिंह है, वो बहुत फनी है। और मैंने देखा है उस पे ना लोगों को बस जोक्स आते हैं उसकी एज पे। हाँ। है ना, सबसे ज्यादा उसकी एज पे जोक किए जा रहे हैं। उसकी एज पे है, उसके वेट पे है, वो बिल्कुल नया सा है, उसको कोई जानता नहीं। ये था इसके उस पे है, तो ये इस तरह से चल रहा है। और बस्सी की तो मूवी, बस्सी की मूवी पे तू झूठी है मकार। हाँ, एक मूवी पकड़ ली उसकी कि भाई उसके बाद रणवीर कपूर देखो कैसा काम कर रहा है, तेरे सीन काट दिए, पैसे नहीं दिए, मतलब सबकी एक एक वीकनेस पकड़ी हुई है। वीकनेस पकड़ी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा अभी जो मुझे था वो लड़की यार बहुत क्यूट है, वो उसकी वे ऑफ डिलीवरी बहुत स्मार्ट है। देखिए और जो उसने जोक्स क्रैक किए महीम सर के साथ, देखो देखो एज पे उसके हर कोई जोक कर रहा है, लेकिन जो उसने किए ना महीम सर के एज पे वो बहुत मजे के थे। लड़की मैंने लड़कियां वो गुल्लीन का तो पता है, गुल्लीन पन्नू तो वो भी बड़े मजे की है, लेकिन ये वाली जो लड़की है श्रीजा, श्रीजा हाँ, श्रीजा अच्छा, इसकी कॉमेडी भी काफी सही होगी, हमने देखी हाँ। नहीं अभी इसकी, लेकिन शर्जील की इसकी अपना अगर हम इसका स्टैंड अप देखें हाँ, तो लगता है बहुत मजे का होगा। बाकी मुझे एक दो अरूज का मुझे पता है कि एक अरूज करके लड़की है, वो आई थिंक वो अभिषेक उपमन्यू को डेट कर रही थी, वो भी स्टैंड अप करती है हाँ, तो वो भी मैंने देखी हुई है। और गर्लिन का पता है, अब इसका भी पता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा, तो आपने जो है ये हमारे साथ आगे भी कंटिन्यू करना है, टू बी कंटिन्यू जैसे exactly. कहते हैं ना वैसे। तो ये कैसी लगी आपको, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। टेक केयर।